परीक्षा के दो दिन पहले दौसा पुलिस ने परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए रीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया, गुरुवार रात को नाकाबंदी के दौरान एक क्रेटा गाड़ी बार बार चक्कर काट रही थी। पुलिस जिप्सी ने पीछा कर कार को पीजी कॉलेज के सामने रुकवाया, जिसमें चार लोग सवार थे। पूछताछ करने पर चारों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और पुलिस को गुमराह करते रहे। इस पर चारों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर थाने लाया गया। गैंता से पूछताछ की गई तो गाड़ी में 5,60,000 रुपये रखे होने के बारे में बताया, जो रीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने की एवज में जयपुर से लाए गए थे। आरोपियों के फोनों की जांच करने पर रीट परीक्षा से संबंधित चैट और रिकॉर्डिंग मिली। इसके अलावा पूछताछ में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने के एवज में लाखों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया। आरोपियों के कोचिंग संस्थानों व लाइब्रेरियों से भी तार जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। ये संडे को जो रीट एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसको लेके जो भी इस तरह के लोग हैं जो अवांछित एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बरगला रहे हैं कि हम आपको पेपर दिलवा देंगे या आपकी जगह हम ठीक है डमी कैंडिडेट बिठा देंगे, इसी के ऊपर दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें रात को नाकाबंदी के टाइम में दो गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ी थी, उसके अंदर 5,60,000 रुपये का कैश भी हम लोगों ने पकड़ा है। और उनसे जब पूछताछ की तो जो इसका मेन जो मास्टरमाइंड यहाँ से निकल के आया वो है सुमेर मीणा है, अपने मुंडिया खेड़ा थाना मानपुर का रहने वाला, जिसका नाम आया है। और चारों लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है